हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी मैं यहाँ छत पर बैठी हूँ, शाम को थोड़ी सी हवा खाने आई थी। तो ये व्लॉग मैंने गाइस कल स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और अभी जब आगे व्लॉग देखेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा कि व्लॉग मैंने यहीं पर ही ख़त्म किया है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। गाइस, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है, पता नहीं क्या हो गया है। सुबह से फीवर लग रहा था, थोड़ा सा थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, आंखों में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रहा है थोड़ा। आज कुछ ऐसे तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, अजीब सा लग रहा था, ऐसे घबराहट से हो रही है। तो बस आज दिन में खाना वाना बनाया था खा के। वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, बट आज मैं दिन में सो गई थी। दिन में क्या सो गई, मतलब दोपहर में सोई थी, वही 3:30-4 बजे सोई हूँ, और अभी उठी हूँ 6:30-6 बजे तक के। थोड़ा सा सर का दर्द तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि अंदर से अजीब सी उलझन सी हो रही है। गले में बहुत दर्द हो रहा है, गर्म पानी पिया है अभी, थोड़ा गुनगुना पानी पिया है, गरारा किया है, थोड़ा सा आराम तो मिला है, लेकिन फिर भी ये सब दर्द हो रहा मेरा, पता नहीं क्यों। और अभी शाम को आ गई हूँ मैं छत पर आ गई हूँ टहलने के लिए। वैसे तो काम करने जा रही थी, लेकिन मन नहीं किया बिल्कुल भी काम करने का। थोड़ा सा मन कर रहा था कि छत पर टहल लूँ, थोड़ी सी खुली हवा ले लूँ, बस उसी के लिए छत पर आके बैठी हूँ। चलने की हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। मन तो कर रहा था कि टहलूँगी छत पर थोड़ी देर, लेकिन मन नहीं कर रहा टहलने का भी। तो बस आज का कुछ ऐसा ही चल रहा है। और हाँ, लड्डू की तबीयत तो ठीक हो गई है, उसके भी दाने सही हो गए हैं, उसको फीवर भी अब ज़्यादा नहीं आ रहा है, हल्का आ रहा है। मतलब सुबह भी उसको फीवर आया था, हल्का आया था, उसके बाद से उसको भी दोबारा फीवर नहीं आया है। और मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी है, आंखें दर्द हो रही हैं, सर में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों दर्द हो रहा है, ये सब दर्द हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इतना दर्द हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। और अभी बहुत सारा काम, अभी मतलब शाम का सारा काम बड़ा हुआ है, खाना भी बनाना है अभी शाम का। वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ, हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। सो गाइस, नीचे देखो कैसे डार्क सर्कल सा हो रहा है। 2-3 दिन से नींद भी नहीं पूरी हो रही थी ना लड्डू की वजह से, उसकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो रात में 3:30-3:30-4:00 बजे तक के जगती रहती, परेशान होती रहती, सोती भी रहती तो भी परेशान होती रहती थी, इधर उधर कन्वर्ट करती रहती थी, जगती रहती थी। तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि शायद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि वो रात में ना मोनू के पास नहीं जाती है, मेरे पास ही आ जाती, घूम घूम के माँ माँ करती रहती है। और फिर उसको कल भी उसके साथ नाक में थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, कि उसकी एक नाक बंद है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो बहुत परेशान हो रही थी कल पूरी रात, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में जग जा रही थी। मतलब एक नाक बंद थी तो उसकी वजह से उसको मुंह से सांस लेने पड़ रही थी, तो वो सो नहीं पा रही थी। तो सुबह उसको जाके थोड़ा आराम मिला तब वो सोई, और फिर सुबह उठी है 11:30 बजे। उसी वजह से मुझे लग रहा शायद मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि रात में आराम नहीं मिल पाता है, दिन में भी काम, और इतनी गर्मी है, 2 दिन से इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है उसके लिए। 3-4 दिन इतना अच्छा मौसम रहा और फिर उसके बाद आज इतनी गर्मी। अभी देखो लाइट भी कम हो गई है। लड्डू है, केक देख रही हो, वाओ। अभी चलेगा अभी तो लड्डू अभी सो रही हैं, आज इनको तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन तो इसमें थोड़ा आराम मिला है। 11:30 बजे तक सो रही थी, सो के अब उठी हैं। तो अभी देखिए, तब भी थोड़ी सी नाक में इनको थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी सी ठीक हुई है। चेहरे का तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, जैसे कि चेहरे के जितने भी इनको रैशेस थे, दाग दाने थे, वो सब चले गए, उसमें कोई भी इनको दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अभी थोड़ी सी इसको नाक में प्रॉब्लम है, अब वो भी शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, दवा चल रही है। और ये किसको मारने जा रही थी, किसको? मेबी जाओगी दीदी? क्या दीदी, क्या जा रही हो? उधर देखो लड्डू, प्यार कर दो, जाओ बाय।
और फिर उसके बाद ये हुआ ना कि जब ये लड्डू चली गई थी अपनी दीदी के पास खेलने के लिए, मतलब अपनी बड़ी मम्मी के घर चली गई थी खेलने के लिए, तो मैं सब खाना पीना बन चुका था, तो जो मैंने नेल पेंट कर लगाई थी, मतलब पिछले व्लॉग में आप लोगों ने जो देखा होगा ना, तो फिर वो उसको मैंने हटा दिया है, मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही थी, तो फिर मैं इसके बाद आज ये वाली लगा रही हूँ। तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले तो मेरा मन था कि बस इस तरह से ही नेल पेंट लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ ना, मेरा मूड थोड़ा सा घूम गया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी और आगे भी डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ऐसी नेल पेंट लगाने के बाद मैंने फिर थोड़ी डिज़ाइन लगा ली। अभी ऐसा चल रहा था ना कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये होता ना कि थोड़ा सा इस तरह से काम करो अपने लिए तो थोड़ा सा अपने आप को गुड फील होने लगता है। तो अब शाम हो गई थी, तो अब मैं इनके लिए चाय बना रही थी कि शाम को चाय ज़रूर पीते हैं, चाय के तो इतने बड़े दीवाने हैं कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो बस अभी वही उनके लिए शाम की चाय बना रही थी, एक ही कप चाय बनाई थी इनके लिए। मैं तो जो चाय पीती हूँ वो तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसको तो मैं रात में पीती हूँ, और फिर अभी उन्हीं के लिए चाय बनाई थी। ये सो के उठते हैं तो बेड टी भी इनको चाहिए, और शाम को भी जब ये सो के उठेंगे तो भी इनको चाहिए, और जब ये रात में सोते हैं इनको तब भी चाय चाहिए। मतलब ये चाय के इतने बड़े दीवाने हैं कि इनको आप चाय कभी भी किसी भी टाइम आप पूछोगे ना तो चाय के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। तो बस शाम की चाय हो रही थी, और इसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे कुछ सामान ख़रीदने के लिए, जैसे कि फल और सब्जी वब्जी होती है ना, तो वो इकट्ठा स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं घर में, तो स्टोर करके रख लो तो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो 2-3 दिन की मैं ले आती हूँ, फिर जब वो ख़त्म हो जाती तो फिर मैं ले आती हूँ। तो अभी उसके बाद मैं शाम को आई थी छत पर टहलने के लिए, बहुत अच्छी हवा चल रही थी जब मैं टहलने के लिए आई थी। तो ये तो नीचे ही थे, मैं छत पर टहलने आ गई थी, तो छत पर टहलते टहलते ही शाम को मैं थोड़ी वॉक ज़रूर करती हूँ, मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना काम रहता है मेरे पास, जीने की छत उतरना चढ़ना इतना हो जाता है, बट शाम को थोड़ा सा आराम, ये होता है ना कि काम कम होता है, तो मैं क्या करती हूँ शाम को ज़रूर छत पर टहलने आ जाती हूँ। और इस समय यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, थोड़ा पसीना निकल आ रहा था, थक गई थी मैं, बाल गीले हो गए थे, तो बस मैं बाल खोल के पसीना सुखा रही थी। और ऐसे शाम को टहलना ना छत पे बहुत अच्छा लगता है, शाम को इस समय इतनी अच्छी हवा चलती है कि अच्छा लगता है उस समय छत पर टहलना। तो बस मैं वही टहल के ही बैठी थी, और सबको टहलना चाहिए गाइस इस समय, तो मतलब ये है ना कि आप जितना टहलोगे अपने आप को ठीक रखोगे ना, और उतना ही आप लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा। तो बस मैं भी टहल के ही बैठी थी, और ये नेल पेंट मैंने लगा ली थी डिज़ाइन, उसकी क्लिप मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने कौन सी डिज़ाइन लगाई है। तो बस अभी मैं बैठ के थोड़ा मौसम को इन्जॉय कर रही थी, और नेल पेंट भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी स्किन कितनी अच्छी ग्लो कर रही है गाइस, अगर मतलब इसमें मतलब फिर कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी देखिए कितनी अच्छी स्किन लग रही है। यही होता है अगर आप अच्छा स्किन केयर करते हो ना, अपनी स्किन का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हो, कम से कम अगर आप सबसे अच्छा तो ये बात होती है, अगर आपको अपनी स्किन का चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपको बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल करें। अपने आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्किन को ना साफ रखना है, आपको मॉर्निंग में भी अच्छे से फेस वॉश करना है, और रात में भी अच्छे से फेस वॉश कीजिए, और क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग तो मस्ट है आपको, वो मॉर्निंग में भी करनी है, इवनिंग में भी करनी है, और रात में जब भी आप सोएंगे ना तो आपको अपना फेस को अच्छे से वॉश करके टोनर लगा के, और उसके बाद कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओ तभी आपकी स्किन अच्छी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा हेल्थ रखते हो, आप अच्छा खाते हो, और डेली आप वॉक करो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा एक्टिविटी रखिए अपने अंदर, बिल्कुल भी लेजी मत रहिए, तो जब ना आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो आपकी स्किन पे दिखाई देता है, आपकी स्किन ग्लो करती है। तो अभी जैसे कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है यार, सच में बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा लगता है देख के कभी कभी ऐसी स्किन की, आपकी स्किन इतनी अच्छी सी ग्लो कर रही चमकती रहती है, अगर आप जो भी थोड़ी बहुत मेहनत करते हो अपने चेहरे पे, अपने स्किन पे, अपनी बॉडी पे, तो वो दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है आपकी स्किन पे। और सबसे अच्छी ज़रूरी बात ये होती है ना कि आप जितना अच्छा अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे ना, अच्छी सोच रखेंगे, जैसा कि टाइम चल रहा है उसमें भी आप अगर अपने आप के लिए टाइम निकालते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और निकालना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो ना तो फिर आप बाकी सबके लिए तो आप काम करते ही रहते हो, घर के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सबके लिए आप काम करते हो, लेकिन आपको हमेशा अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी होता है, जो आपका सिर्फ अपना टाइम होता है। उसमें आप अच्छा आप म्यूज़िक सुन सकते हो, अपने फेवरेट बुक पढ़ सकते हो, रीडिंग जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको गुड फील हो, अच्छा फील हो। मतलब ये नहीं है कि बस हमेशा काम 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 काम, तो यार ज़िंदगी भर चलता ही रहता है, उस काम के बीच में अगर आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हो ना तो वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। जैसे
अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप बाहर नहीं कहीं जा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो यही होता है ना कि आप अपने घर पे योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग आप थोड़ा बहुत टहल लीजिए, ये भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप सुबह की ऑक्सीजन लेते हो, सुबह की तो सबसे अच्छा हवा लेना बहुत फ़ायदा करती है, आपको प्योर हवा मिलती है ऑक्सीजन। इस समय आप जानते हो कि आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छी सांस, अच्छी हवा मिले आपको, तो वो आपको मिल जाती है। शाम को इस टाइम है, शाम को थोड़ा टहल लीजिए और एटलीस्ट हो सके तो खाना 7:30-8 बजे से पहले खाना खा लीजिए। मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हो। कीड़ा चल गया, मतलब हवा में बैठी हूँ ना छत पे, तो बस यही होता है। और हाँ, और ये गर्मियों का टाइम है ना, तो इसमें पानी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको प्यास लगी है और नहीं भी लगी है, फिर भी आप पानी पीजिए जितना हो सके। आप मतलब 2 से 3 लीटर तो पानी पीजिए। सबसे पहले आप सुबह उठते ही मॉर्निंग में क्या कीजिए कि आप जितना जल्दी से बेड से उठ के अगर आप तुरंत पानी पी सकते हो तो पी लीजिए, क्योंकि मैं उनमें से हूँ कि जो मैं बेड से उठते ही तुरंत पानी नहीं पी पाती। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि पानी मैं तभी पी पाती हूँ कि जब मैं फ़्रेश हो जाऊँ, उसके बाद मैं नहाने के बाद आराम से 2-3-4 ग्लास जो पानी पीना हो मैं तब पी लूँगी। लेकिन हाँ, जब मैं उठती हूँ तब मुझसे पानी नहीं पिया जाता, पता नहीं क्यों मुझे वॉमिटिंग से होने लगती है। तो अगर आप पी सकते हो तो आप पी सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट 1 ग्लास वाटर तो आप पी सकते हो, और उसके बाद आप जब फ्रेश हो जाओ उसके बाद आप जो पानी पीना चाहो वो पी सकते हो। और एटलीस्ट गुनगुना पानी सुबह पीजिए, 1 ग्लास तो गुनगुना पानी पीजिए ही। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह कोई डिटॉक्स वाटर, नींबू पानी। मैं उनमें से हूँ जो मुझे नींबू पानी सूट नहीं करता, मैं अगर नींबू पानी पी लूँ तो मेरे गले में जलन होने लगती है। तो यही है, अभी मेरा क्लचर भी टूट गया है यार, मुझे अपना क्लचर भी लेना है। और अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, लाइट जा रही है, पर हवा बहुत अच्छी चल रही है तो इसलिए अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठने में। अब चल रही है हवा, इससे पहले अभी जब मैं टहल रही थी ना तब हवा नहीं चल रही थी थोड़ी, अब इस समय हवा चलने लगी है तो अच्छा लग रहा है गाइस। तो बस यही छोटी छोटी बातें रहती है जो कि आप लोगों को अपने लिए निकालने चाहिए, अपने बातों अपने लिए ध्यान करना चाहिए। आप देखो दूसरों का तो ख्याल रख ही लेते हो, बट अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपना ख्याल नहीं रखोगे कोई आपके लिए नहीं करने वाला है, ये तो आप सोच लीजिए। अगर आप फिट हो, आप सही हो, तो आप हर चीज़ आपके आसपास सब चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप ही बीमार हो जाओ या आपको कुछ हो जाए तो आसपास सब भी आपको सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो करने वाला होता है ना वही बीमार हो जाए तो फिर सबको बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई करेगा नहीं, लेकिन हाँ वही होता है ना कि जो आपका होता है काम वो आप करो लग रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है करने में। और मैं तो अपनी स्किन का मतलब इतना ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि अच्छे से मैं अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ, टोनिंग करती हूँ, मॉइस्चराइजिंग करती हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो ना तो आप रात में नॉर्मली आप जो फेस वॉश यूज़ करते हो उसको यूज़ करने के बाद आप गुलाब जल लगाइए, उसके बाद आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। आप चाहो तो प्योर वाला एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या तो फिर ये जो मार्केट में मिलते हैं जैसे कि आपका पतंजलि का हो गया, वाओ का हो गया, जो भी एलोवेरा जेल है वो आप लगा सकते हो, आप लोगों को सूट करेगा। सूट करने के ऊपर है, मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे जैसे डायरेक्ट प्योर एलोवेरा जेल होता है वो मुझे सूट नहीं करता, जब मैं वो लगा लेती हूँ ना तो मुझे यहाँ पर रेडनेस ही हो जाती है। तो मैं पतंजलि का या वाओ का या जेजू का है उसका मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ। मतलब मैं प्योर वाला एलोवेरा जेल नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करती, मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, साथ में ऑयली स्किन है। अभी जैसे देख सकते हो मैं अभी बस स्किन को ऐसे ही हूँ, अभी कुछ भी नहीं लगाया है। मतलब कि अब मैं जब शाम हो गई, अब थोड़ी देर में जब मतलब रात हो गई तब मैं अपना स्किन केयर करूँगी। रात में मैं ज़रूर फेस वॉश करके सोती हूँ। और अगर आप लोगों को जानना है कि मेरा फेवरेट फेस वॉश कौन सा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, मैं कौन सा यूज़ करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं एक ही फेस वॉश, मैं सिर्फ एक ऐसा फेस वॉश है जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ती, बाकी फेस वॉश तो मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक फेस वॉश ऐसा है जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वो मेरा फेवरेट फेस वॉश है और वो मैं ज़रूर वो यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को जानना है कि वो कौन सा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर कि मेरा फेवरेट फेस वॉश कौन सा है। और जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपने टॉप 5 फेस वॉश जो हैं कौन से हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का बस इतना ही, ये व्लॉग मैंने गाइस कल स्टार्ट किया था लेकिन वही है ना कि काम के चक्कर में नहीं हो पा रहा था, थोड़ा व्लॉग बनाया था फिर रह गया था। और कल मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी, फीवर भी था कल मुझे, तो मैंने थोड़ा सा आराम किया, बस उसके बाद ही मुझे आराम मिल गया था। गुनगुना पानी पिया था, हल्दी वाला पानी, फिर
रात में मैंने अपनी ग्रीन टी, और हाँ ग्रीन टी मस्ट है, मुझे तो ग्रीन टी बहुत पसंद है। चाय लवर हूँ लेकिन मैं ग्रीन टी हूँ, मतलब जैसे बहुत से लोगों को चाय पसंद होती है, मुझे भी चाय पसंद है लेकिन चाय में ग्रीन टी पसंद है। अगर मेरे साथ ये है ना कि मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं पूछ लेती हूँ कि अगर आपके पास ग्रीन टी है तो मुझे ग्रीन टी दे सकते हैं आप पीने के लिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बट मैं रात में ग्रीन टी ज़रूर पी के सोती हूँ, मैं जो है ग्रीन टी पिए बिना नींद नहीं आती है। तो शायद मुझे मेरी स्किन के लिए शायद वो भी ऐसा लगता है कि एक है जो मेरी स्किन को अच्छा सा बना के रखता है। तो थोड़ी सी अभी तो लाइट कम हो गई है। तो उसके बाद मैं जब शाम को गई थी अभी सामान लेने के लिए तो ये लीची मुझे दिख गई, तो मुझे लीची खाना बहुत पसंद है, लड्डू को भी लीची बहुत पसंद है, तो बस उसके लिए लीची, सेब लिया था और आम भी ले लेते थोड़े से, आधा किलो आम लिए थे, ज़्यादा आम नहीं लिए क्योंकि अभी आम ना डाल के पके हुए नहीं आ रहे हैं। तो बस यही पपीता लिया था, पपीता इनको डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए तो वही लिया था। और अभी जल्दी यहाँ मस्ती कर रही है, अब इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है ना तो अब ये बहुत आराम से खेलती रहती हैं। हम खा ले, बस ये है ना कि मेरा बच्चा बेचारा दूसरा बिस्किट किसको दोगी, दुबला हो गया बहुत, चेहरा छोटा सा लग रहा है इसका, आप खाओगी पापा को नहीं दोगी? कोई बात नहीं, अब ठीक हो गई है तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगी। बच्चों को तबीयत खराब होती है, बुखार आ जाता है तो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो अब ये जाती थोड़ी ठीक हुई है तो अभी खेल रही है। लड्डू, अच्छा वो बोलो दूध, माइन माइन दूध, हाँ टट्टा सुसु टट्टा कैसे बोलती लड्डू, दूध माइन दूध, दूध माइन दूध और टट्टा सुसु टट्टा, हाँ करना क्या चाहती हो तुम, माइन दूध माइन, फिर रुक जाओ खराब हो गया, अब बताओ माइन दूध माइन, एक बार बोल दो माइन। मेरा कैमरा चला गया लड्डू, नहीं बोलोगी? अच्छा रुको कैमरा देखो गंदा हो गया, इसको साफ कर दे। अच्छा बोल, लड्डू प्यार लड्डू मेरा प्यारा बेटा, पहले एक बार माँ को प्यार कर दो, फिर एक बार पारी करो, फिर एप्पल खिलाएंगे, फिर लीची लाए, लीची लीची खाओगी इधर, और यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे कौन करेगा। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट